हेलो गाइस, क्या हाल चाल सबके। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। तो आज ऐसा सीन है कि 2-3 दिन से काफ़ी फीवर हेल्थ थोड़ी डाउन चल रही थी, तो उसकी वजह से बाहर भी नहीं जाने हो रहा। तो 2-3 दिन से रूम में ही हूँ, ना तो कोई वीडियो शीडियो बनी। तो आज का सीन था कि आज का दिन ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ से टॉपिक शुरू करूँ, कैसे बताऊँ क्या हुआ था क्या नहीं। तो ऐसा बात है कि आज से 3 साल पहले जब मैं 12th में होता था, 2019 की बात है, तो तब मैं 17 साल का था सिर्फ। तो सब जैसे सब अपनी स्कूल की लाइफ इंजॉय करते हैं, तो वैसे हम भी किया करते थे। तो एक दिन की बात है कि जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उस दिन की, कि मैं स्कूल में गया था। तो नॉर्मल डेज की तरह उस दिन भी नॉर्मल ही था, तो स्कूल में गया। और जैसे मेरे को स्कूल से ऑफ हुआ, तो मैं अपने घर में आने लगा। तो रास्ते में क्या हुआ कि मेरे को ना कुछ डॉक्यूमेंट्स याद आए कि मेरे को डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स देने थे किसी को। तो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए मैं घर आ रहा था, तो क्या हुआ कि रास्ते में मेरी गाड़ी ने मेरे को हिट कर दिया। तो तभी मैं बेहोश हो गया। तो 7-8 दिन के बाद मेरे को होश थोड़ी थोड़ी आई, जब मैं हॉस्पिटल में था। तो कोई पता नहीं इतने दिन में क्या, कितने दिन हुए हैं कितने दिन नहीं हुए। जैसे हॉस्पिटल में था, 7-8 दिन के बाद जब होश आती है, तो आपको सच्ची में नहीं पता होता कि आप कौन से हॉस्पिटल में हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, क्या कंडीशन है क्या नहीं। तो जब मैं हॉस्पिटल में था, तो मैंने पूछा कि जो मेरे साथ था उसका क्या सीन है, उसको कितनी लगी है। तो कहते कि वो ठीक है, तो तेरी को देखो ही लगी है। फिर क्या हुआ कि मैं 10-15 दिन हॉस्पिटल रहा, तो इतना ज़्यादा रिकवर हुआ नहीं। तो उसी मेरे को सेंस थोड़ा थोड़ा पता चलता था कि मेरी बॉडी टच फीलिंग थी, मतलब सेंसेशन थी, कोई मूवमेंट शूमेंट नहीं थी। तो कोविड की वजह से मेरे को घर पे शिफ्ट कर दिया। तो जब कोविड आ गया, तो 1.5 साल कोविड रहा था, मैं घर पे ही रहा। तो आप समझ सकते हो कि 1.5 साल कितना ज़्यादा होता है एक बंदे के लिए, जब कोई बेड पे ही रहे, ना कोई हिले डुले, ना इधर जा सके, ना उधर जा, उधर हो, एक ही जगह पे। तब तो इतनी बकवास, इतनी गंदी कंडीशन थी, इतना गंदा गंदा फील होता था ना, जब आप अपनी साइडें तक चेंज नहीं कर सकते। आप जहाँ पे शो आपको रखा हुआ, आप पूरा दिन वहीं पे रहो, ना आप हिल सको ना डुल सको। तब इतना ज़्यादा कि मैं अपनी खुद साइड चेंज किया, हाथों की मूवमेंट नहीं थी, ना तो मैं ब्रश कर सकता था, ना तो मैं खाना खा सकता था, सारी मूवमेंट्स बेड पे ही। जब घर वालों ने ही करवानी, साइड चेंज उन्होंने करवानी, सब कुछ। तो ऐसा करते जब एक बॉडी ज़्यादा देर बेड पे रहे, तो मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए तो बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जो तब तो मेरी एज भी कुछ नहीं थी, क्योंकि तब चलने फिरने वाला व्यक्ति एकदम से बेड पे गिर जाए, उसको प्रॉब्लम तो बड़ी ज़्यादा होती। तो क्या हुआ कि जब मैं ज़्यादा देर बेड पे लेटा रहा, तो मेरे को बेड शोर होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मेरे को 4 जख्म हो गए, बेड शोर हो गए। और घर पे डॉक्टर आते रहे पट्टी कचट्टी करने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा कोविड के कारण। 1-1.5 साल घर पे रहना और जख्मों के साथ रहना, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी कि मैं खुद सोचता था कि अब उम्मीद है नहीं कोई बजने हंसने की भी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया लुधियाने में। तो वहाँ पे मेरे ऑपरेट हुए, 4 बेड शोर के, 1 स्टोन भी बन गया साथ साथ में पेट में, तो उसका भी ऑपरेट हुए। 5-6 मंथ उधर रहा DMC में भी, तो वहाँ पे ऑपरेट हुए, तो घर पे आया 5-6 मंथ के बाद। तो आप सब समझ सकते हो कि जब एक 17 साल का बच्चा, एक तो वो उसमें कितना ही मेच्योरिटी होती है, वो क्या ही कर सकता है। जब उसको पता चले कि आपकी सारी लाइफ आप बेड पे ही रहने वाले, आप मतलब हिल डुल नहीं सकते, आप वहीं पे पूरी लाइफ आपकी बेड पे ही रहने। और मेरे को स्टार्टिंग में डॉक्टर ने कहा था कि ये 3-4 मंथ में ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टरों ने तो आपको ऐसे ही कहना, वो तो नहीं बोल सकते कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं। उन्होंने मेरे को बोला कि 3-4 मंथ तक ठीक हो जाएगा। और 3-4 मंथ तो मेरे को कोई होश भी नहीं थी, मैं कहाँ हूँ, क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो बीच में इतने ख़राब दिन भी हुए आगे से। तो जब ऑपरेट हुए, तो फिर मैं वापस घर आ गया। जब मैं घर पे आया ऑपरेट करने के बाद, तो फिर घर पे भी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करता रहा। तो जब घर पे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू की, तो मतलब घर पे इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज होती ही नहीं थी, तो हम रूटीन चेकअप के लिए लुधियाना में जाते थे। तो वहाँ पे मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप जलंधर में एक रिहैब, आप वहाँ सजेस्ट, आप
विज़िट करो एक बार, देखो तो शायद आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो। तो हम वहाँ पे चले गए, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा वहाँ पे। तब जब आप खुद समझ सकते हो कि जब एक इंसान हो, जब चलता फिरता हो, रोज़ का घूमता फिरता हो, इंजॉय करता हो, जब उसको एकदम से उसकी बॉडी पूरी लाइफ चेंज हो, जब उसको पता चले कि आपके जो दोस्त हैं, सपने हैं, सब कुछ आपके एक साइड पे रह गए, आप तो ना तो आप दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हो, ना तो आपके साथ जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। आप सोच सकते हो कि उसके बच्चे मतलब कि आपके मेंटली हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, काफ़ी लोगों ने मेरी काफ़ी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने देखा कि ये व्हीलचेयर पे है, बेड पे है, कोई काम करने के लायक है नहीं है, तो अब हम इससे क्या ही उम्मीद रखते हैं, अब क्यों वो इससे बातचीत करना। कोई लोग तो मेरे को जब मेरे 7-8 साल मेरे साथ रहे, जैसे मेरे को देखा कि अब ये कुछ करने के लायक नहीं है, उन्होंने मेरे से बात तक करना बंद कर दिया, मतलब कि टोटली बात करना ख़त्म, लाइफ से बाहर, कोई सीन नहीं, मतलब अब कोई उम्मीद है नहीं है, कुछ है नहीं है इससे, तो क्या फ़ायदा इससे बातचीत करने का। वो बात भी काफ़ी टच होती है अगर मैं उसी बारे में सोचता रहूँ कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, लो मेरे को छोड़ दिया, तो शायद मैं जहाँ पे हूँ आज वहाँ पे भी ना रहूँ। तो फिर क्या सीन था कि जब इंजरी का टाइम था, तो मेरे घर वालों को, बड़े लोगों ने ऐसा भी कहा कि अब आप इसका इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट क्यों करवा रहे हो, इतना पैसा पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, क्योंकि क्या पता इसने ठीक होना भी है कि नहीं होना, हो जाना हो, ऐसे बेफालतू में पैसा वेस्ट कर रहे हो आप इसके ऊपर, तो रहने दो। लेकिन मेरे घर वालों ने और फैमिली ने मेरी ने काफ़ी सपोर्ट की। आज भी बड़े ज़्यादा आदमी मेरे को बोलते हैं, हाँ छोड़ भरे और इस दिन को भूल जा, तेरे साथ आज ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन उस बात को भूलना इतना ईजिली नहीं होता कि जो आपके साथ हुआ हो आप एक ही झटके में सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि आप इतना ईजिली जो आपके साथ सबसे आपकी लाइफ टोटली चेंज की हो ना किसी दिन ने, वो आप इतनी जल्दी किसी उस दिन को नहीं भूल सकते। तो मेरा भी वही दिन है आज, और मैं समझ नहीं आ रहा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो एक्सीडेंट की वजह से पूरी लाइफ भी चेंज, ना तो अपने सपने पूरे हुए, ना तो कहीं मैं घूम फिर सकता हूँ, सब कुछ ख़त्म। तो स्टडी भी बंद, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो क्योंकि लोगों ने पहले ही मेरे को कहा था कि अब कुछ कर सकता है नहीं है, तो इस पर इतना पैसा क्यों खर्च करना। तो मैंने सोचा कि अगर इतनी ज़्यादा बोल रहे हैं कि कुछ करें ना, तो कुछ ना कुछ तो मैं कर ही दूँगा कि जो इनको लगेगा कि हाँ बंदे ने कुछ कर दिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना यूट्यूब चैनल ही खोल लूँ, क्योंकि अब अपनी बातें किसी के साथ आप शेयर कर ही नहीं सकते फैमिली में, क्योंकि वो सोच अगर आप उनके साथ शेयर करोगे और वो ज़्यादा दुखी होंगे कि हमारा बच्चा खुद दुखी है, आप उनको बताओगे वो और दुखी होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब चैनल ही मैं चला लूँ, ताकि अगर मेरे को कल कोई भी ज़रूरत पड़े तो मैं अपनी बात किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी स्टडी तो बंद ही है, क्योंकि इतना एबल मैं हूँ नहीं कि मैं कुछ काम कर सकूं। अगर मैं कल कोई भी काम शुरू करता हूं तो ये बात तो होगी ना, कोई मेरे को जानता होगा कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा है तो इसका काम है ऐसा ऐसा। चलो ऐसे ही थी तो शॉर्ट कर, क्योंकि अगर मैं अब ज़्यादा बताने लगूंगा कि मैं खुद फिर रोने लग पड़ूंगा, क्योंकि इतना इतनी किसी में हिम्मत नहीं होती कि आप अपना सबसे बुरा अपना बुरा टाइम किसी को बता सको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को सपोर्ट करोगे, तो नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार भी करोगे और नेक्स्ट ब्लॉग भी देखोगे, और जैसे आपने पहले सपोर्ट किया ऐसे सपोर्ट करोगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और सब्सक्राइब पक्का कर लेना चैनल।